मध्य प्रदेश में महिला अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। छेड़छाड़, लूटपाट और बलात्कार की घटनाएं रोजाना की बात हो गई हैं। सीधी में शिक्षिका से गैंगरेप के बाद दमोह के लिधौरा गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा ने बदमाशों की छेड़छाड़ से तंग आकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच लड़की के शव को तालाब से निकलवाकर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। लड़की के पिता माधव सिंह ने बताया कि लड़की ने हमें बताया था कि गांव के कई लड़कों के साथ एक लड़की भी उसे परेशान करती है। हमें यह पता नहीं था कि हमारी लड़की यह कदम उठाएगी। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि परिजनों के कथन के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। यदि ऐसी कोई बात थी तो पुलिस में शिकायत करनी थी। इस मामले में सीएम कमलनाथ का कहना है कि महिला अपराधों में आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश को यूपी नहीं बनने दिया जाएगा। हवेली के दो तीन लड़की थी, वो कुछ दिन से परेशान कर रहे थे। आप लड़कों को जानते हैं जी? क्या नाम है? एक को दिनेश, एक विनय, एक नन्नू, एक गोविंद पटेल, और एक कोई लड़की भी है जो साथ में हस्तक्षेप करती थी। कितने समय से परेशान कर रही थी ये? करीब 2-3 महीने हो गए। कल रात में हमें ये सूचना मिली थी कि एक बच्ची थाना देहात में एक तालाब में मिली है, और उसको हमने मर्ग उसमें कायम किया है और आगे इसमें जांच की जा रही है। इनके परिजनों का ऐसा आरोप है कि कुछ लड़के जो स्थानीय हैं वहीं के हैं और जिनको वो जानते हैं, वो उसको कुछ समय से उसके साथ उसको परेशान कर रहे थे, और जिससे संभवतः उसने दुखित होकर इस प्रकार से कार्रवाई उसने घटना किया है। अभी लेकिन पूरी तेज जांच में है। अभी जो भी जांच के आधार पर, परिजनों के कथनों के आधार पर जो विषय पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। एक युवती ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे मनचले छेड़ रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि यूपी यूपी एमपी बनता जा रहा है, एमपी यूपी बनता जा रहा है। एमपी यूपी नहीं बन रहा, आप आगे देखते जाइएगा।